नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो विशेष बात पर चर्चा करने वाले हैं, यह बात माता पराशक्ति के नाम दान रहस्य के विषय में है। इसके विषय में मैंने कुछ दिन पहले आप सभी लोगों से पूछा था कि क्या आप माता के नाम की साधना लेना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हम देखने में पाते हैं कि सभी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह विधिवत तरीके से माता की आराधना कर सकें। सबसे बड़ी बात है समय का अभाव। ऐसे में जब समय का अभाव है और भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति समय नहीं निकाल पाता है तो बड़ी समस्या होती है। कई कारण हैं, जैसे कि अगर हम कोई साधना करते हैं, चाहे वह गुरु मंत्र की साधना ही क्यों ना हो, उसके लिए हमारे पास माला, आसन, दीपक, पूजा का स्थान इत्यादि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो होनी आवश्यक होती हैं। अब अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं, तो फिर आप कैसे विधिवत तरीके से साधना कर पाएंगे? इतना ही नहीं, आप अगर यात्रा में हैं, आप किसी गाड़ी से, ट्रेन से, हवाई जहाज से, पानी के जहाज से या किसी भी प्रकार से पैदल चलते हुए अपने वाहन में कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो भी आपका मंत्र जाप बंद हो जाता है और यह समस्या लगभग प्रत्येक व्यक्ति के साथ में आती। अब ऐसे में हम इसका विकल्प क्या ढूंढें? कैसे माता की आराधना हो? गुरु मंत्र जाप को मानसिक रूप से अगर हम करते हैं तो वह केवल हमें मोक्ष के लिए ही कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो अब इन सब बातों को लेने के बावजूद और दूसरी कि जितनी भी कर्म कांड है हमेशा कठिन हो जाते हैं, ऐसे में भक्ति कैसे होगी? तब बहुत सारे सिद्ध साधु संतों और हमारे ऋषियों ने भक्ति में एक मार्ग बनाया जिसे हम नाम साधना के नाम से जानते हैं। जैसे भगवान राम का नाम लोग लेते हैं, राम राम कहते हैं, भगवान कृष्ण की साधना करते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, आजकल सबसे ज्यादा राधा नाम चल रहा है तो हर व्यक्ति राधे राधे कहता हुआ नजर आता है। सहज रूप में इसी प्रकार शिव शिव कहते हुए लोग नजर आते हैं। तो नाम बहुत छोटा सा शब्द होता है और मन को जोड़ देता है उस शक्ति के साथ, इसलिए नाम सरल पड़ता है, विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। चलते फिरते सोते जागते कहीं पर भी व्यक्ति साधना कर लेता है, ध्यान लगा लेता है, वो कहीं पर भी आते जाते सोते बैठते हर वक्त नाम स्मरण किया जा सकता है। हालांकि गुरु मंत्र के साथ भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मंत्र जाप के शब्द ही बड़े कठिन हो जाते हैं। तो साधारण जनता के लिए वह भक्ति कैसे करे? नाम दान का जो माध्यम ऋषि मुनियों और सिद्ध संतों के द्वारा बनाया गया है वह सबसे सरल है। बस नाम लेते रहना है और ध्यान को स्थायी रूप से किसी अपने इष्ट या जिनका भी नाम है उन पर केंद्रित करके रखना है। इसीलिए माता पराशक्ति के जो नाम है उनको जपना सबसे सरल विधि बन जाती है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए नाम की साधना लेके आया हूँ और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। सात्विक तरीका होता है और सहज रूप से माता की कृपा प्राप्त होती है। जितना ज्यादा आप इसमें डूबते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा अद्भुत अनुभव, सिद्धि, सामर्थ्य सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। माता पराशक्ति के विषय में भी अब यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए कि माता पराशक्ति सर्वोच्च है और केंद्र बिंदु है हर एक वस्तु का। अगर हम ब्रह्मांड की रचना से शुरू करें तो माता ने ब्रह्मांड की रचना की है, इसी से देवी और देवताओं की रचना हुई, विभिन्न प्रकार के लोकों की रचना हुई और अंत में आती है हमारे सूर्यमंडल में एक स्थान जिसे हम पृथ्वी माता कहते हैं। हम लोग यहाँ जन्म लिए
और अपने जीवन चक्र आगे बढ़ाते हैं। आपको अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि जीवन में उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, तो वह अगर पृथ्वी का सारा साम्राज्य भी प्राप्त कर ले तो भी उसने ब्रह्मांड के विशालकाय हिस्से का 0% से भी कम हिस्से को प्राप्त किया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं आप कितने छोटे हैं। और फिर भोग और विलास में फंसकर जब आप इस जीवन को जीते हैं तो केवल अपना सर्वनाश ही कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, आप माता का नाम स्मरण नहीं करेंगे, तो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इससे आप पहले समझिए। कहते हैं यह हमारा जो ब्रह्मांड है जिसमें अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे देखा है, यह ब्रह्मांड 150 बिलियन आकाश गंगाओं से बना हुआ। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा होगा। अब आकाश गंगा क्या होती है इसे समझते हैं। हमारा सौर मंडल यानी कि सूरज और उसके बाद आने वाले अन्य ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी इत्यादि से होते हुए पूरे 9 ग्रह का जो पूरा क्षेत्रफल है यह हमारा सौर मंडल है। और हमारा सौर मंडल एक आकाश गंगा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक आकाश गंगा वो पूरा क्षेत्र होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में ऐसे सौर मंडल हो सकते हैं। और इतनी ज्यादा 150 बिलियन, क्या मतलब समझ रहे हैं आप कि खरबों में जहां आकाश गंगाएं हैं वैसा हमारा ब्रह्मांड है जो अभी तक केवल पता चला है और वैज्ञानिकों ने खोजा है कि इतना हो सकता है। ये भी छोटी बात हो जाए, कारण कि अगर हम मान भी लें कि 150 खरब आकाश गंगाएं अगर मौजूद हैं या उससे भी ज्यादा हैं, तो भी केवल एक ब्रह्मांड की बात होती है। ऐसे असीमित ब्रह्मांड है। तो ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड है, कहाँ कहाँ लोक, कहाँ कहाँ उनका जीवन चल रहा है, दिव्य आयाम कैसे हैं, क्योंकि इन ब्रह्मांडों में जो आयाम है उसी के हिसाब से अन्य लोकों में मृत्यु के बाद प्राणी चला जाता है। तो इस एक ब्रह्मांड की जब बात हो रही है, इसका निर्माण जैसे हमने जाना कि जब ब्रह्मांड में विस्फोट होता है तब ब्रह्मांड की रचना होती है। शिव शक्ति की इस प्रलयंकारी शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना होती है। तो यह रहस्य कितना विशालकाय है इसको समझना क्षमता भी नहीं है लोगों में। और इस शक्ति को केवल अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें तो आप देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड काला दिखाई देता है। यानी कौन सी ऐसी काली शक्ति है जो इसको अपने में धारण करती है, वह और कोई नहीं माता महाकाली कहलाती है। और यह माता महाकाली इस ब्रह्मांड की नायिका है। इसको हम ब्रह्मांड में डार्क मैटर एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे सब डार्क मैटर या डार्क एनर्जी एक ऐसी कड़ी है जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध करके रखती है। यह प्रकाश को अपने अंदर समा लेती और ये जो इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस शक्ति को महाकाली के नाम से जाना। और यह माता पराशक्ति का सिर्फ एक रूप, ऐसे कितने अनंत ब्रह्मांड है, उन सब की जो स्वामिनी है वो माता पराशक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड का रहस्य कितना विशाल। ब्रह्मांड के इस रहस्य को समझने के लिए आपकी बुद्धि बहुत छोटी, इसीलिए विज्ञान आध्यात्म को कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकता। सिर्फ वह पदार्थवादी बात करता है, जो भी पदार्थ का रहस्य है और पदार्थ के गुण है वही केवल वह जानता है। विज्ञान का मूल मतलब ही पदार्थवाद है या भौतिकवाद, जो भौतिक वस्तुएं हैं वही वो जानता है और उसी के आधार पर सारी गणना करता है। लेकिन आध्यात्म अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। अनुमान लगाइए कि सारा ब्रह्मांड गोल दिखाई देता है, ग्रह, पिंड, तारे भी गोल दिखाई देते हैं। और जब माता के गर्भ में बालक आता है तो भी वह पिंड के रूप में ही होता है। वही पिंड अंडाणु के माध्यम से बड़ा होकर एक बालक बालिका बनता है। और यह प्रक्रिया सब जीवों में, यानी जो बाहर हो रहा है वही भीतर भी हो रहा है। हम उस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह ही विशाल का है। जैसे ब्रह्मांड अनंत है वैसे हम अनंत ज्ञान अपने मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। यानी अगर आप गहराई से देखते हैं तो जितना भी ब्रह्मांड में उपस्थित है वह अपने अंदर भी है। इसीलिए हम ध्यान के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से उस ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण करते हैं और करते हैं मंत्र जाप उस पराशक्ति का, धारण करते हैं उसकी सामर्थ्य और उससे ही हमें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, विभिन्न प्रकार की बुद्धि, तेज सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए बाहर देखने के बजाय ऋषि मुनियों ने भीतर देखने को कहा है। हमारा पूरा शरीर
उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। कण चाहे कितना भी छोटा लेकिन स्वभाव और स्वरूप उसी का होता है। जैसे बाप के सारे अंश उसके पुत्र में हो, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि माता पराशक्ति का अस्तित्व कितना विशाल का है। एक ब्रह्मांड को समझने की सामर्थ्य नहीं है, जाने की दूरी नहीं है। कितना विशाल का ब्रह्मांड है कि हमारी जो दूरियां नापी जाती हैं वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, जबकि प्रकाश की गति कई किलोमीटर कई करोड़ किलोमीटर तक होती है। सूरज से हमारी दूरी कितनी ज्यादा है, लेकिन 7 से 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी को भी यहाँ तक पहुँचने में, और वो प्रकाश की गति से चलता है। तो आप अनुमान लगाइए ब्रह्मांड कितना ज्यादा विशालकाय है। अब इस रहस्य को समझना मनुष्य के बस की बात, इसीलिए वह इस रहस्य को केवल अपने अंदर ही समझ सकता है, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा विशाल है कि आप ना तो उसे नाप सकेंगे ना उसे धारण कर सकेंगे, लेकिन भीतर सब कुछ धारण किया जा सकता है। यही माता पराशक्ति का गुरु मंत्र के माध्यम से या फिर माता के नाम के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते। इस साधना का और इस नामदान का जो रहस्यमय वीडियो है और दान दीक्षा है, मैंने अपने इंस्टा मोजो स्टोर उपलब्ध करवा दिया है। आप वहां से इसे खरीदकर यह नामदान प्राप्त कर सकते हैं और माता पराशक्ति के दिव्य नामों का स्मरण करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं इस ब्रह्मांड के बंधन से और तेजस्वी हो सकते हैं त्रिदेवों के समान। माता पराशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांडों की अधीश्वरी, वह हर प्रकार से अनंत स्वरूप वाली, वहां पर कोई सीमा नहीं रहे, संचालन वहीं से होता है। वही ऊर्जा प्रत्येक जीव को जीवित रखती है। उस ऊर्जा के बाहर निकलते ही प्रत्येक वस्तु निर्जीव हो जाती है, जिसे हम जीवात्मा भी कहते हैं। उस आत्मा में प्रकाश उसी ऊर्जा के कारण आता है। वो माता पराशक्ति हैं। उनकी सामर्थ्य को त्रिदेव भी नहीं समझ सकते, क्योंकि त्रिदेव तो ब्रह्मांड के रचना पालन और संहार करते हैं, वह केवल अपना ब्रह्मांड संभालते हैं। ऐसे ही कितने ब्रह्मांडों को संभालने के लिए कितने त्रिदेव मौजूद हैं, लेकिन उनसे भी परे जो हैं, जिनका स्वरूप ही अनंत है, ज्ञान अनंत है, प्रकाश अनंत है, सुख अनंत है, सामर्थ्य अनंत है, जो नेत्र मात्र खोलने से कई ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देती हैं, क्रोधित नेत्रों से देखने मात्र से कई ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। इसलिए उनकी भक्ति सदैव आने जाने वाली हर सांस के साथ करनी चाहिए। माता की महिमा अनंत है, वह ज्ञान का भंडार है। इसलिए एक क्षण भी ऐसा ना हो जब आप उनके नाम का स्मरण ना कर रहे हो। मैं उनकी क्या वंदना या वर्णन करूंगा, क्योंकि अगर कबीरदास जी ने कहा था कि अगर मैं समुद्र की स्याही बनाऊं और उसमें कलम डुबो डुबो कर भी लिखूं, तो भी परमात्मा का पूरा वर्णन नहीं लिख पाऊं। यही वास्तविक सत्य है कि हम अपनी सामर्थ्य से केवल उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी सामर्थ्य उन तक पहुंचने तक की भी नहीं। हम तो अपनी पृथ्वी को भी पैदल चल के पार नहीं कर पाते हैं। पूरे पृथ्वी पर अगर कोई ऐसा स्थान ना हो जहां तक आपके कदम ना पड़ पाए, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो भी आपको कई जन्म लग जाएंगे पूरी पृथ्वी को और प्रत्येक स्थान पर आपके पैर पड़ने में। और ऐसी 108 पृथ्वियां सूरज में समा सकती हैं, ऐसे करोड़ों सूर्य आकाश गंगा में समा सकते हैं, और करोड़ों आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में समा सकती हैं, और कई ऐसे ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में समा सकते हैं, और कई ब्रह्मांड उस माँ पराशक्ति से निकले हुए हैं उनमें समा सकते। तो उनकी महिमा और उनकी सामर्थ्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, केवल उनकी भक्ति की जा सकती है। माध्यम चाहे गुरु मंत्र हो चाहे उनका दिव्य नाम, इसलिए सभी लोग इसे अवश्य ही धारण करें, इन नामों का जाप करें, इन नामों से अपना जीवन सदैव के लिए मुक्ति की ओर आगे बढ़ाएं, क्योंकि भोग विलास की दुनिया तो एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाने वाली है, लेकिन कभी भी माँ का यह स्वरूप माँ की यह सामर्थ्य कभी नहीं समाप्त होगा। इसलिए उनका श्वास के आने और श्वास के जाने तक स्मरण करना चाहिए। इस साधना को आप इंस्टा मोजो से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से क्लिक करके इस वीडियो को इंस्टा मोजो से डाउनलोड करें और प्राप्त करें उस ममतामयी पराशक्ति माता का दिव्य नाम, और बार बार उसे जपते रहें, प्राप्त करें असीमित कल्याण। आप सभी का दिन
मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।